नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिविंद शुक्ला। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र द्वारा गढ़ी मलहरा के उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया। यहां पर किसानों को आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। दरवाजे पर ही सैनिटाइजर और हाथ धुलने की व्यवस्था को देखकर इस व्यवस्था की सराहना भी की गई। उपार्जन केंद्रों पर उपस्थित कर्मचारियों और प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि जिससे कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, शासन के नियमों की जानकारी किसानों को दी गई और गेहूं तौल गोदाम का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने गढ़ी मलहरा उपार्जन केंद्र की प्रशंसा भी की। गढ़ी मलहरा क्षेत्र और लखपुर नगर की तरफ मेरा उपार्जन का दौरा है। इसमें हम लोग पूरे जिले से, जिला के समस्त अधिकारी, मैं स्वयं और कलेक्टर महोदय, हम सभी लोग जो हमारे जिले के सभी क्षेत्रों में, हम ये देख रहे हैं कि उपार्जन सही से हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, कहीं पे कोई अनियमितता नहीं है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सही समय पे हो रहा है। तो इसी में देखा गया कि यहाँ पे व्यवस्था अच्छी दिखी, छन्ने का इस्तेमाल हो रहा है, जो यहाँ पे तोल काटे पर्याप्त मात्रा में है और जितना भी उपार्जन की स्थिति है, जो भी गेहूँ खरीद लिया गया है उसको गोडाउन में भी समय पर रखा जा रहा है। किसानों से भी बात हुई, जो किसानों से भी पता चला कि उनके द्वारा वह भी संतुष्ट है कि जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं या फिर तोला जा रहा है सामान या फिर उनको जो जो चीज़ें उनके उस उपार्जन के लिए रात प्रदाय की गई हैं, उन सबसे वो संतुष्ट है।